हेलो ऑल, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यह जानेंगे कि किस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर की मदद से एक एलईडी की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। किस तरीके से आपको सर्किट बनाना है, आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में यह जानेंगे। टिंकर किट वेबसाइट पर आप किस तरीके से एक पोटेंशियोमीटर का एलईडी के साथ में सर्किट बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल पर जाकर टाइप करना है टिंकर कैट, जिससे नॉर्मली आप टिंकर कैट वेबसाइट पर जाकर सर्किट बनाते हैं। आपको टिंकर कैट टाइप करना है। टिंकर कैट वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको टिंकर कैट सर्किट पर जाना है। टिंकर कैट सर्किट पर जाकर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्किट्स को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर 3D डिजाइन और सर्किट दिखेगा, तो आपको सर्किट्स पर जाकर क्लिक करना है और नया सर्किट बनाने के लिए आपको क्रिएट न्यू सर्किट करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू सर्किट पर क्लिक करेंगे, सामने आपको स्क्रीन दिखेगी जहाँ पर आपको व्हाइट स्पेस पर आप अपना सर्किट बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर को एलईडी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो मेन तीन इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स की जरूरत है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले आप ले लीजिए ब्रेडबोर्ड, जिसके ऊपर आप सर्किट को बनाएंगे। नेक्स्ट आपको लेना है एलईडी, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको लेना है एक रजिस्टर। रजिस्टर को आप रोटेट कर लीजिए इस तरीके से। नेक्स्ट आपको लेना है, जो कि इम्पोर्टेंट है इस सर्किट में, वो है आपका पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर दिखेगा पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो सबसे पहले हम पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि पोटेंशियोमीटर एग्जैक्टली होता क्या है, काम कैसे करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पोटेंशियोमीटर में तीन टर्मिनल दिखेंगे, टर्मिनल 1, वाइपर एंड टर्मिनल 2। तो आपको हर जितने भी पोटेंशियोमीटर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, में आपको तीन टर्मिनल्स दिखेंगे। तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के पोटेंशियोमीटर्स आपको दिख रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, हर पोटेंशियोमीटर का नाम आपको अलग दिखेगा। रोटरी पॉट, ड्यूल गेन पॉट, सिंगल टर्न पॉट, कॉन्सेंट्रिक पॉट, मल्टी टर्न पॉट, सर्वो पॉट, ट्रिमर पॉट, प्रीसेट पॉट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पर डिफरेंट पॉट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस तरीके से स्क्रीन पर देख सकते हैं डिफरेंट पॉट्स मार्केट में अवेलेबल है। अब आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा पोटेंशियोमीटर में आपको तीन टर्मिनल्स दिख रहे हैं। वो एग्जैक्टली तीन टर्मिनल्स क्या होते हैं, तो आइए वो जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीन टर्मिनल्स होते हैं, उसमें जो पहला टर्मिनल होता है वो होता है ग्राउंड, जो दूसरा टर्मिनल होता है वो इनपुट मतलब बी आउट, जो तीसरा टर्मिनल होता है पावर, जहाँ पर आप 5 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे जो प्रीसेट वाला होता है उसमें भी आप देख सकते हैं 5 वोल्ट वी आउट एंड ग्राउंड। वी आउट मतलब जहाँ पर आप इस पिन की मदद से आप जो भी आउटपुट पर कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, मोटर कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी चीज आप कनेक्ट कर रहे हैं आपको वी आउट पिन के साथ ही कनेक्ट कर रहा है, तभी आपका आउटपुट पे जो भी आपने डिवाइस कनेक्ट करा है वो वर्कआउट करेगा। तो आइए अब जानते हैं कि सर्किट किस तरीके से आपको बनाना है टिंकरकैड वेबसाइट पर। तो हमने यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स ले लिए हैं। अब हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे। तो किस तरीके से आपको कनेक्शन करना है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एलईडी के साथ में रजिस्टर को हमेशा पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एलईडी के साथ में रजिस्टर का एंड पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट करके रखा है। इस तरीके से एनोड मीन्स पॉजिटिव, कैथोड मीन्स नेगेटिव। नेक्स्ट, जो रजिस्टर का जो दूसरा एंड है आपको वो पोटेंशियोमीटर के सेंटर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है, वाइपर, जो कि आपके पोटेंशियोमीटर में, यहाँ पर रियल पोटेंशियोमीटर जो आपको दिखते हैं उसमें वो वी आउट की पिन होती है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर कनेक्शन में भी आपको रजिस्टर के एक एंड से एक वायर लेना है और आपको उसके वाइपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, अभी आप ब्रेडबोर्ड पर एक बैटरी भी कनेक्ट कर दीजिए। तो
बैटरी कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ से एक बैटरी ले लेते। बैटरी आप यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आप ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट कर दीजिए इस से। एंड पॉजिटिव को आप रेड वायर से डिनोट कर दीजिए ताकि आपके लिए इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। एंड नेगेटिव को आप ब्लैक से डिनोट कर दीजिए। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब एलईडी में आप देख सकते हैं अभी एक टर्मिनल बाकी जो कि कैथोड, आप उसे कनेक्ट कर दीजिए ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव पर, जो कि ब्रेडबोर्ड में हमें हमने अभी नेगेटिव कनेक्ट करा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आप नेगेटिव पर कनेक्ट कर दीजिए और इसे आप ब्लैक कलर का वायर कर दीजिए। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर में अभी आपको दो टर्मिनल्स दिख रहे होंगे। आप दोनों टर्मिनल्स में, तो टर्मिनल वन एंड टर्मिनल टू, इसमें से कोई भी टर्मिनल को आप पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। तो फिलहाल हम टर्मिनल टू को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, इसे आप रेड कर दीजिए। एंड टर्मिनल वन को आप नेगेटिव ले लीजिए इस तरीके से, और इसे आप ब्लैक कर दीजिए। इस तरीके से आप पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल एक पोटेंशियोमीटर का कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सर्किट अभी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल इजी कनेक्शन है। सो आइए अब हम सर्किट को चलाकर देखते हैं ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा। तो आपको इसको सिमुलेट कर कर देखने के लिए आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड टॉप पर आपको स्टार्ट सिमुलेशन का बटन दिखेगा। आप उससे स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप स्टार्ट सिमुलेशन पर क्लिक करेंगे, अभी आपको एलईडी ग्लो करते हुए नहीं दिख रही है, बट आप देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर में आपको एक यहाँ पर एक वाइपर दिया हुआ है। बीच में जो वाइपर का जो टर्मिनल होता है, वहीं से आप ये इसको थोड़ा सा आप रोटेट करेंगे, स्लाइड अप करेंगे। इस तरीके से आप एलईडी में देख सकते हैं एलईडी की इंटेंसिटी धीरे 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 बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये सर्किट वर्कआउट करता है। और इस तरीके से आप एक सिंपल पोटेंशियोमीटर की मदद से एलईडी की इंटेंसिटी को हाई या लो, मतलब कम या ज्यादा कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर को एक एलईडी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे सर्किट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।